जीएनजी 2507 देसी चने की उन्नत प्रजाति है, जो कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर राजस्थान से वर्ष 2018 में विकसित की गई है। जीएनजी 2507 प्रजाति भारत के उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में समय से बुआई के लिए संस्तुत है। यह प्रजाति 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है एवं इसकी उत्पादकता 16 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस प्रजाति के बीज मध्यम आकार के होते हैं। यह प्रजाति उकठा रोग के प्रति सहिष्णु। इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जीएनजी 2507 प्रजाति को भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर द्वारा संचालित फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत फतेहपुर जनपद के देवमई प्रखंड के परियोजना ग्रामों में रबी 2021-22 में 60 किसानों की भागीदारी में पहली बार विस्तृत किया गया। भागीदार किसान इस प्रजाति की रोग के प्रति सहिष्णुता एवं उत्पादकता से संतुष्ट हैं एवं आगामी वर्षों में अपने क्षेत्र में बृहद स्तर पर खेती के लिए उत्सुक हैं। आइए जानते हैं इन भागीदार किसानों के अनुभव। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनीष पटेल है, ग्राम डेले मऊ पोस्ट पदारा, ब्लॉक बेलमाई, जिला फतेहपुर का रहने वाला हूँ। ये चना का बीज मिला है जीएनजी 2507 जो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर से मिला था। यह बीज फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत हमें यह बीज प्राप्त हुआ था। अब आपको इस चने की वैरायटी में क्या विशेषता नज़र आ रही है? इस चने की वैरायटी में इसमें फली ज़्यादा लगती हैं और फूल ज़्यादा आता है। पेड़ बढ़िया, रोग तो सबसे अच्छा रोग नहीं लगता इसमें किसी प्रकार का। अच्छी वैरायटी है और उसमें दाँत चने में फलती अच्छी आती है। चने की यह प्रजाति जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर द्वारा हमें मिली है, जो प्रजाति है जीएनजी 2507, ये बहुत अच्छी हमें लग रही है और जो पहले की देसी प्रजातियां हमारी थी उनसे अच्छा उत्पादन देगी, हमें ऐसा महसूस हो रहा है। दादी अपना परिचय बताइए। राधे रानी। कहाँ के रहने वाली है? जिला फतेहपुर। आपने चने की कौन सी प्रजाति लगाई है? जीएनजी 2507। आपको चने की ये वैरायटी कहाँ से मिली? आईपीआर कानपुर। आपको चने की इस वैरायटी में कौन सी विशेषता लगी है? ये अच्छी है, दाने अच्छे हैं, आपकी चने में वैरायटी बढ़िया है, ना रोग लगा, घेटी बढ़िया है। परिचय दीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार है, ग्राम पोस्ट खतरा, देवमाई ब्लॉक, जिला फतेहपुर का रहने वाला हूँ। आप जो चने के खेत में खड़े हैं, इसका चने का बीज आपको कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये बीज कानपुर आरआर कानपुर दलहन विभाग से हमें प्राप्त हुआ है। ये चने की कौन सी वैरायटी आपने लगाई? जीएनजी 2507 जी। क्या विशेषताएं आपको लग रही है इस वैरायटी की? इस चने की वैरायटी ये है, इसमें रोग कम लगता है, इसकी पैदावार ज्यादा होती है। अच्छा, कितना अंदाज लगा रहे हैं पैदावार की? पैदावार का अनुमान ये है, जो पहले का जो था वो 1.5 से 2 क्विंटल प्रति बीघे होता था और इस समय इसकी जो वैरायटी है वो 3-3.5 क्विंटल के लमसम होती है पैदावार है। अगर इसकी पैदावार तो अच्छी है, अगले साल जब हम बाएंगे तो इसमें और भी ज़्यादा, मतलब अभी तो 1 बीघा लग किया है, अगले साल 2 से 3 बीघा हम करेंगे। मेरा नाम रणवीर सिंह है, हमारा ग्राम पोस्ट खदरा है, जिला फतेहपुर है। मुझे चने की यह वैरायटी जीएनजी 2507 आईपीआर कानपुर से फार्मर फर्स्ट परियोजना के तहत मिली थी। यह चने की वैरायटी बहुत अच्छी है, यह हमारे खेतों में 3.5 क्विंटल प्रति बीघा की दर से पैदा हुई है। इसी के पास जो हम देसी वैरायटी पहले बोने वाली बोए थे वो लगभग 1.5 क्विंटल ही पैदा हुई है।
ये चना हम अगले साल से सारे खेतों में बोएंगे क्योंकि इसकी पैदावार बहुत अच्छी है पहले की वैरायटी से। ये देखो चना कितना अच्छा है, इसके दाने कितने सुडौल हैं, कितने पीले हैं, चमकदार हैं। ये चना बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं ग्राम कुमार खेड़ा मजरा मिराई का रहने वाला हूँ, जिला फतेहपुर ब्लॉक देवनई, जो मुझे ITIR द्वारा GNG 207 वैरायटी मिली थी, जो कि हमारे बीघे में लगभग 3.25 क्विंटल के बीघे के हिसाब से पैदावार हुई। जो पिछला बोते थे गांव का देसी बीज तो उसमें 1.5 क्विंटल के हिसाब से बहुत ज़्यादा, जब 1.5 नहीं तो 1 क्विंटल भर में होता था। ये बीज जो हमें मिला इससे बहुत हमें पैदावार और हमें बहुत खुशी। अच्छा, इस चने की आपकी क्या विशेषता समझ में आई? इस चने में विशेषता कि पहले पैर सूखते थे, पहले जो वैरायटी बैठते थे गांव की तो उसमें पैर सूखते थे और कीड़ा भी बहुत लगते थे, अब इसमें कीड़ा भी नहीं लगते और ज्यादा करके पैर सूखते नहीं। बीज बहुत अच्छा है, इसको हम अगले साल और भी खेती में आगे ज्यादा ज्यादा बोने की कोशिश करेंगे और इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है। हमें इसका कलर जो है इसकी बहुत अच्छा है, पैदावार भी इसकी बहुत अच्छी है मानते हैं। जो दाना दिखाएं, देखिए ये दाना देख बहुत अच्छा है, सुनहरे कलर में बढ़िया क्वालिटी है।